ताला तोड़ा, न मेन गेट को गैस कटर से काटा, फिर भी दुकान में घुसा, 25 करोड़ का हीरा चुराया और फरार हो गया। दिल्ली पुलिस का चकराया दिमाग, घर के अंदर कैसे घुसे शातिर चोर, आधी रात को कैसे बनाया पूरा प्लान, हो रही जांच। सोने चांदी की दुकान वाले या करोड़ों के मकान वाले जरूर सुने रिपोर्ट, चोरी का नया तरीका आपको परेशान कर देगा। तारीख 26 सितंबर 2023, जगह दिल्ली का जंगपुरा इलाका। दिल्ली पुलिस को कॉल आई, साहब एक दुकान में चोरी हो गई है, न ताला टूटा है न मेन गेट कटा है, पता नहीं चल रहा है चोर अंदर कैसे घुसे। मेरी दुकान जंगपुरा के भोगर इलाके में है, दुकान का नाम उमराव ज्वेलर्स है। पुलिस दुकान पर पहुंचती है, वहां का सीन देखकर हैरान रह जाती है। दुकान में लाखों की चांदी वैसे ही रखी होती है, बस सिर्फ और सिर्फ सोना और हीरा गायब होता है, जिनकी कीमत होती है 25 करोड़ रुपए। पुलिस दुकानदार से पूछती है, चोर चांदी क्यों नहीं ले गए? दुकान का मालिक कहता है, हमें क्या पता। फिर जांच पड़ताल शुरू होती है, उसके बाद जो पता चलता है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस महाचोरी की दो कहानियां सामने आई। पहली कहानी के मुताबिक 25 सितंबर की रात दुकान बंद की, सोमवार को सारे ज्वेलर्स दुकान बंद रखते हैं, ऐसे में सोमवार को चोरों को भरपूर टाइम मिला। आधी रात को चौथे मंजिल पर इत्मीनान से पहुंचे, मेन गेट का ताला तोड़ा और स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ बढ़े, तभी देखा इसका ताला तोड़ा तो अलार्म सिस्टम बच जाएगा, इसीलिए पहले अलार्म सिस्टम को ऑफ किया, उसके बाद करीब 1.5 फीट दीवार तोड़ी और सीधा स्ट्रॉन्ग रूम में दाखिल हुए, सिर्फ सोने और हीरे उठाए और फरार हो गए। वहीं रखे चांदी को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया, जबकि दूसरी कहानी ये है कि चोरों ने ना तो मेन गेट का ताला तोड़ा, ना ही गैस कटर से लोहे की गेट काटी, बल्कि शोरूम के बगल की सीढ़ियों से वो सीधा छत पर पहुंच गए और छत की दीवार काटी और ऊपर से सीधा स्ट्रॉन्ग रूम में दाखिल हुए, ऊपर के रास्ते ही दुकान में घुसे और वैसे ही बाहर निकल गए। जब 26 सितंबर को दुकानदार ने दुकान खोली तो बाहर से सब ठीक था, पर अंदर जाते ही उनके होश उड़ गए। देखा कि जिस दुकान को उसने रविवार की रात साफ सफाई के बाद बंद करवाया था, वहाँ धूल ही धूल जमा थी। अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में जाकर देखा तो पता चला कि ऊपर छत ही गायब है। अब पुलिस दोनों थ्योरियों पर जांच कर रही है, चोरों की संख्या 4 बताई जा रही है। अब पुलिस आसपास के लोगों की फिंगरप्रिंट ले रही है, बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस को शक है कि चोर पहले भी यहां पर आए होंगे, हो सकता है कि दुकान की रेकी उन्होंने पहले की हो, क्योंकि जिस सफाई से इस घटना को अंजाम दिया गया वो अचानक से कोई नहीं कर सकता। दिल्ली जैसे शहर के अगर ये हाल हैं, तो छोटे मोटे दुकानों के दुकानदारों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। आए दिन देश दुनिया से ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिन लोगों का करोड़ों का मकान है वो भी इस खबर से चिंता में हैं कि ताला तो मजबूत लगवा लेंगे पर छत कितनी मजबूत बनवाएं कि चोरों से ना टूटे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ इंडिया में ही है, 4 साल पहले सितंबर महीने में ब्रिटेन से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी। ब्रिटेन के ब्लेनहेम पैलेस में गोल्ड टॉयलेट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। खास बात ये थी कि इसका इस्तेमाल आम लोग भी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच खबर आई कि 18 कैरेट के गोल्ड से बने इसे कमोड को किसी ने वहां से चुरा लिया। तमाम सीसीटीवी और तकनीकी जांच की व्यवस्था होने के बावजूद भी जब ब्रिटेन की पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई तो $1,24,000 का इनाम देने का ऐलान किया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस पैलेस से ये टॉयलेट सीट चोरी हुई वहाँ ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था। मतलब ऐसी ऐतिहासिक जगह भी सुरक्षित नहीं। ब्रिटेन में हुई ये चोरी जहाँ 4 साल पहले चर्चा का केंद्र बनी थी, तो वहीं अब दिल्ली की महाचोरी पर बड़ा सवाल है।